न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर केनगर प्रखंड में पंच सरपंच संघ की बैठक आयोजित। केनगर प्रखंड के प्रखंड परिसर स्थित प्रखंड सद्भावना सभागार में पंच सरपंच संघ द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केनगर प्रखंड के प्रखंड पंच सरपंच संघ उपाध्यक्ष मोहम्मद रज्जाक ने किया। प्रखंड स्तरीय बैठक में जिला से संघ के जिला अध्यक्ष जाऊ रहमान उर्फ पप्पू भाई एवं उपाध्यक्ष विश्वजीत कुमार अतिथि के रूप में शरीक हुए। इस बैठक में उपस्थित पंच सरपंच को संबोधित करते हुए पंच सरपंच संघ जिला अध्यक्ष अजाउर रहमान उर्फ पप्पू भाई ने कहा कि 30 अक्टूबर को पूर्णिया में होने वाले न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए लगातार पूर्णिया के भवानीपुर श्रीनगर डगरुआ वाईसी अमोर वैसा बनमंकी के बाद आज के नगर प्रखंड में पहुँच कर आग्रह कर रहे हैं कि 30 अक्टूबर को प्रदेश पदाधिकारी हमारे जिले में सरपंचों की 11 सूत्री मांगों के समर्थन में न्याय यात्रा को लेकर आ रहे हैं और इस न्याय यात्रा को हम सभी पूर्णिया जिले के पंच सरपंच मिलकर भारी तादाद में कला भवन पहुंचकर सफल बनाएंगे। लगातार 18 वर्षों से जिस मांगों को लेकर पंच सरपंच आंदोलन कर रहे हैं उसे अब सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। जिस तरह से सरपंच अपने पंचायत में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देकर समाज में हो रहे विवादों को ग्राम पंचायत राज के माध्यम से समाप्त करते हैं और कोर्ट कचहरी का भार कम करते हैं, सरकार को उनकी जरूरतों को समझनी होगी। बहुत सारे साथियों को चुनाव जीतने के बाद अब तक मानदेय तक नहीं मिला है, जबकि सरपंच पद की गरिमाओं को निर्वहन करते समय अपने सभी कार्य को भूल जाते हैं, तब सरकार की ओर से उन्हें किसी प्रकार की विशेष सहायता नहीं होती है। सीमित संसाधनों के साथ अपने क्षेत्रों में काम करना पड़ता है, इसीलिए 30 अक्टूबर को पूर्णिया के कला भवन सभागार में पंच सरपंचों की महाजन सेवा का आयोजन न्याय यात्रा के रूप में होने जा रहा है। आप सभी पूर्व एवं वर्तमान सरपंचों से आग्रह है अपने हक की लड़ाई के लिए इस सभा में भाग लेकर सरकार को अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन कर बता दे कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो आगामी चुनाव में सरकार के साथ पंच सरपंच न्याय कर सत्ता से बाहर करने के लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे। इस बैठक में सरपंच मुस्तैरी खातून, रेखा देवी, बेबी देवी, दिलीप मंडल, नीलम आरा, मोहम्मद सरवर आलम, श्रीदेव महलदार, किरण चौधरी, सदानंद मरांडी, फिरोजा खातून आदि के साथ दर्जनों पंच सरपंच प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे। जो यहाँ के नगर प्रखंड के सभागार में जो सरपंच और उप सरपंचों का बैठक हो रहा है, इसका कारण है 2006 में सरकार बिहार सरकार के द्वारा ग्राम कचहरी की स्थापना और सरपंचों के द्वारा ग्राम कचहरी के ग्राम कचहरी के लोगों को सस्ता सुलभ न्याय देने का, जिसमें सरपंच को चुनाव लड़के जीत के आए, लेकिन सरकार जो ग्राम कचहरी का व्यवस्था की बात की थी कि सरपंचों को ग्राम कचहरी के माध्यम से व्यवस्था दिया जाएगा, वह व्यवस्था आज तक नहीं मिला, जिसमें सारे पंच और सरपंच 2007 से ही संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं पूरा बिहार में कि आप जो कहकर चुनाव लड़ाए कि आपको सस्ता और सुलभ न्याय लोगों को देना है, समाज को देना है, तो हम ग्राम कचहरी का व्यवस्था करवा रहे हैं और उसमें सारा सुविधा आपको देंगे, लेकिन सरकार के द्वारा जो नहीं मिला तो पंच सरपंच अपना मांग सरकार से कर रहा है, निरंतर कर रहा है और इस बार भी अपना मांगों को लेकर के काफ़ी जोर पकड़ा हुआ है, जिसमें पटना में कई बार मीटिंग हुआ, पूर्णिया में धरना दिया गया, पूरा बिहार जो है धरना दिया गया। तो इसी संदर्भ में 2 तारीख को इटरवा मतिहारी से हमारा न्याय यात्रा प्रदेश के लोग लेकर आ रहे हैं, जो कि यहाँ सभी जिलों को होते हुए आ रहे हैं और 30 तारीख को पूर्णिया जिला में यह प्रोग्राम होना तय है पंच सरपंचों का। 30 अक्टूबर को यहाँ तय है, तो उस वो जो 30 अक्टूबर को प्रोग्राम होने वाला है उसकी तैयारी में हम लोग प्रखंड स्तरीय पंच सरपंचों का धरना जिला कमेटी के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हम लोग 11 प्रखंडों का बैठक किए हैं और पंच सरपंचों का जो उत्साह देखने को मिला है कि हम लोग 30 तारीख को जाएंगे और अपना संगठन का बात करेंगे, अपनी मांग जो है सरकार से रखेंगे और अपना प्रोग्राम करेंगे, सबों में वह उत्साह है कि अगर सरकार हमारा 11 सूत्री मांग को पूरा नहीं करेगा तो हम लोग राज्यपाल को पूरे बिहार के पंच सरपंच अपना त्याग पत्र सौंप देंगे कि
जब ग्राम पंचायत का व्यवस्था सरकार नहीं कराया, हम लोगों को ठगने का काम किया, हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है और हम लोगों को हम लोग ठगा रहे हैं, तो हम लोग क्यों सरपंच में रहे? और सरकार के जो राज्यपाल हैं उसको जो है अपना इस्तीफा हम लोग पूरे बिहार के पंच सरपंच दे देंगे और सरकार से विनती करेंगे कि आप कभी पंच सरपंचों का चुनाव नहीं कराएं और हम लोगों को ठगने का काम नहीं करें, हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम नहीं करें। और इसीलिए हम लोग हर जगह घूम के या मीटिंग कर रहे हैं, पंच सरपंचों का काफ़ी उत्साह है समूह में कि हम लोग किस तारीख को आएंगे और जो है अपना एकजुटता सरकार को दिखाएंगे। और सर पूर्व सरपंच और पूर्व पंच, हाँ, तो हम लोग जो है 11 सूत्री मांग में पेंशन की बात किए हैं कि प्रधानमंत्री को पेंशन मिलता है, मुख्यमंत्री को पेंशन मिलता है और एमपी को मिलता है, एमएलए को मिलता है, सब जनप्रतिनिधि है, उसी तरह तो हम लोग भी जो है जनप्रतिनिधि है, तो हम लोगों को क्यों नहीं पेंशन मिलेगा? हम लोगों को सरकार अविलंब पेंशन की व्यवस्था करावे। तो पेंशन अगर मिलता है तो पूर्व के जो सरपंच साहब थे, पंच साहब थे, उसको भी पेंशन मिलेगा। इसीलिए हम लोग पूर्व के पंच सरपंच साहब से भी यह आह्वान करते हैं कि वह लोग भी मेरे 30 तारीख के मीटिंग में शरीक हो और हम लोग सब मिलजुल के सरकार से अपनी मांग मंगवाने के लिए वहाँ एकजुटता अपना दिखावे। किस जगह सर होगा प्रोग्राम? यह प्रोग्राम काला भवन में होगा, पूर्णिया के काला भवन को हम लोग जो है बुक कराए हैं और उसी में हम लोगों का यह प्रोग्राम होगा। और हमारा उम्मीद है, हम लोग जो घूम रहे हैं, हमारा उम्मीद है कि उस दिन 5,000 की संख्या में हम लोग सारे आदमी वहां पहुंचेंगे और हमारा प्रोग्राम सफल होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभा में जो उमंग देखा जा रहा है पंच सरपंचों में। 30/10/2023 को पूर्णिया के कला भवन में आ रही है, इसलिए सरपंच संघ की एक बैठक के नगर प्रखंड उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हमारे जिला उपाध्यक्ष सुजीत कुमार जी भी शामिल हुए हैं। साथ ही साथ के नगर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायत के सरपंच, उप सरपंच एवं ग्राम कचहरी सचिव उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने जो 30/10/2023 को न्याय यात्रा पूर्णिया आ रही है उसको सफल बनाने हेतु बैठक किए, इसमें सभी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम सभी जो पंच सरपंच अभी हैं, जो इससे पहले थे, सभी लोग एकजुटता के साथ 30/10/2023 को कला भवन पूर्णिया पहुँचेंगे और अपनी ताकत सरकार को दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग 2006 से जब चुनाव हुआ है ग्राम कचहरी का, महात्मा गांधी का एक सपना था कि ग्राम समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनको सही इंसाफ मिल सके और सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके, लेकिन सरकार के द्वारा जो स्वतःलापन व्यवहार सरपंच पंचों के द्वारा किया जा रहा है उसी के क्या कहते हैं उपलब्ध में प्रदेश के पदाधिकारी के आह्वान पर हम सबों बिहार के 3800 जिला के पंच सरपंच एकत्रित हो गए हैं और 3800 जिला में अलग अलग डेटों में जिला सम्मेलन होना है। जिला सम्मेलन होने के बाद जब 39वां दिन हम लोगों का सम्मेलन जिला स्तरीय खत्म हो जाएगा तो हम सभी पंच सरपंच पटना पहुंचेंगे और माननीय राज्यपाल के पास हम सभी बिहार के पंच सरपंच सब सामूहिक इस्तीफा पत्र सौंपेंगे और उन्हें कहेंगे कि आप ग्राम कचहरी जैसी संस्था को बंद करने का काम करें। मेरा नाम मोहम्मद फजाउर रामा और पप्पू, सरपंच जिला पूर्णिया।